नमस्ते जी, वैदिक आसन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अष्टाध्यायी जाहोतियाँ, 20वीं क्रिया, उसका तीसरा मंत्र की व्याख्या आज हम करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज के लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। ओम इमं मे वरुण शुधी हव मध्या च मूलया तवामवस्स चके स्वाहा इदम्रणा इदम्नमा। ऋग्वेद 1:25-19। हे वरुण प्रभु नामक संबोधन से संबोधित होने के कारण यहाँ सर्वव्यापक विशेषण जाने जाते हो। सर्वव्यापक होने के कारण आप सदा अन्य प्राणियों के ही समान मेरे भी निकट होते हो। अतः हे सर्वव्यापक प्रभु, आप मेरे निकट हो तो किंतु अभी तक मेरी टेर को, अभी मेरी आवाज़ को, मेरी पुकार को आपने सुना नहीं है। इसीलिए आपका यह अनाथ सेवक आपसे प्रार्थना कर रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरी प्रार्थना को, पुकार को अवश्य सुनिए। आनंद विभोर, हे प्रभु, मैं कब से आपके निकट बैठकर आपको पुकार रहा हूँ। मेरी पुकार को सुनो, मुझ पर आशीर्वाद रूपी वर्षा, सुखों की वर्षा कर दो और आनंद से भर जाऊँ। अतः मुझे आनंद विभोर करने के लिए मेरी आवाज़ को सुनिए। हे पिता, मुझे आपके आशीर्वादों की अत्यंत आवश्यकता है, आपके आशीर्वादों की आवश्यकता है मुझे। आप मेरे रक्षक हैं, मेरी सदा ही आपकी रक्षा करने की जो है, मैं सदा ही आपसे रक्षित होने की इच्छा रखता हूँ। इसलिए है प्रभु, आप तो दीनों के भी बंधु हैं, इस कारण मेरी ओर भी देखो। मैं आपकी दया को पाने के लिए आपको निहार रहा हूँ। मैं आपसे रक्षा पाने का इच्छुक होने के कारण आपको पुकार रहा हूँ। इसीलिए हे पिता, मुझे आप अपनी रक्षा में ले लो। मुझे आपका इस प्रकार का आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस आशीर्वाद के कारण आपकी रक्षा में रहूं। आप सदा ही मेरी रक्षा करते रहें ताकि कोई भी कष्ट क्लेश मुझे छू तक ना सके। हे परमपिता, मैं सदा ही आपसे कुछ ना कुछ मांगता ही रहता हूँ। आप दाता हैं, सदा सबको कुछ देते ही रहते हैं, इतने बड़े आप दानी हैं। इसीलिए हे प्रभु, आपसे कुछ पाने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। मैंने यह जो कुछ भी कहा है, आपकी दया से, आपकी कृपा से सब कुछ फलदायी है। अब सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हो, इस नाते मेरी इस प्रार्थना को भी स्वीकार करते हुए मेरी इस अभिलाषा को भी फलदायी कर बना दो। मुझे जो है इस अभिलाषा को पूरी कर दो। हे वरुण देव, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही दिया हुआ है। आपके दान रूप में जो कुछ भी मेरी झोली में डालकर इस झोली को भरा है आपने, उस पर मेरा क्या अधिकार। यह सब आपका होने के कारण मुख्य अधिकारी तो आप ही हैं। तो भी मैंने अपने जीवन के प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इसमें से थोड़ा सा अपने पास अवश्य रख लिया है, किंतु इस सब पर मेरा अधिकार नहीं है। इस कारण इस अग्निहोत्र के द्वारा मैं आपकी दी हुई वस्तु को, आप ही को लुटा रहा हूँ ताकि आप इसे किसी अन्य, किसी प्रकार के जीव को दे सकें जिसे इस सब की कहीं अधिक आवश्यकता है। अतः निश्चित है कि इस सब पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। किसी वस्तु के किसी भाग में भी मैं अपना कहने का अधिकारी नहीं हूँ। इसीलिए आप जो है, जो उचित है, योग्य व्यक्ति है और ज़्यादा, उसको जो है इसको दे दें और मैं जो है इसमें से जरूरी मेरी आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा मात्रा में निकाल रहा हूँ। अर्थात आप प्रभु, आप सबसे बड़े दानी हैं, मेरी मदद कीजिए। आपकी रक्षा का जो है, आपसे रक्षित होने की अभिलाषी रखता हूँ, मैं अभिलाषा रखता हूँ। आप जो है मेरी रक्षा कीजिए और आप सर्वव्यापक हैं और मेरी पुकार सुनिए प्रभु। इसी प्रकार अगले मंत्र की व्याख्या के लिए आप अगला वीडियो देखिए। साथ ही साथ इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।